स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 एनर्जी रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है ऑयल एंड नेचुरल गैस। लास्ट लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल को स्टडी किया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, और कोल की फॉर्मेशन को स्टडी किया था। अब हम ऑयल और नेचुरल गैस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑयल वॉज मेड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डैट वंस लिव्ड इन द सी। अब हमने देखना है ऑयल और नेचुरल गैस कैसे बनते थे या कैसे बनते हैं। कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स, वंस लिव्ड इन द सी, मतलब एक समुंदर में रहते थे, ठीक है। एज दे डाइड, जब वो डाई हो गए, देयर बॉडीज कोलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उनकी बॉडीज जो थी वो समुंदर की तह में उसके बॉटम पे बैठना शुरू हो गई, कोलेक्ट होना शुरू हो गई। वेयर दे वर कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड मर्ड, जहाँ पे उनकी बॉडीज सैंड और मर्ड के साथ कवर हो गई। वो ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजार साल बाद, द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बिकेम वेरी थिक। सेडिमेंट्स की जो लेयर थी वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई। दिस पुट द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अंडर प्रेशर, उसने डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को प्रेशर के अंडर रखा, प्रेशर में रखा। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म कौन से? वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो समुद्र में रहते थे, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज देम इनटू थिक ब्लैक क्रूड ऑयल। हज़ार साल बाद सेडिमेंट्स की लेयर जो थी वो थिक हो चुकी थी। अब क्या हो गया कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हो गए? ब्लैक क्रूड ऑयल में चेंज हो गया, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स थे। द लेयर ऑफ सैंड एंड मर्ड टर्न्ड इनटू रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सैंड और मर्ड की लेयर थे वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दीज रॉक्स आर पोरस, ये रॉक्स पोरस होती है, पोरस कहते हैं खोखली, जिसमें सुराख होते हैं, ठीक है। दे हैव टाइनी होल्स, जिसमें छोटे छोटे सुराख हों, रेदर लाइक अ स्पॉन्ज, विच अलाउ लिक्विड टू मूव स्लोली थ्रू देम, जो कि अपने अंदर से लिक्विड को गुजरने देती है। ऑयल राइजेस थ्रू पोरस रॉक, ऑयल जो है वो पोरस रॉक से राइज करती है, ऊपर जाता है अंटिल इट मीट्स अ लेयर ऑफ इनपरमीएबल रॉक, जहाँ पे वो इनपरमीएबल रॉक के साथ मिलता है। विच डजंट अलाउ लिक्विड थ्रू, जो कि लिक्विड को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। द ऑयल इज देयरफॉर ट्रैप्ड इन पॉकेट्स, देन ऑयल को हम ट्रैप कर लिया जाता है पॉकेट्स में। गैस कोलेक्ट अबव द ऑयल, गैस जो है वो ऑयल के ऊपर कोलेक्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज इट इज लेस डेंस, क्योंकि गैस जो होती है वो लेस डेंस होती है, ज़्यादा भारी नहीं होती, हल्की होती है, ठीक है। इट इज़ दिस पॉकेट्स ऑफ ऑयल एंड गैस डैट ऑयल कंपनीज लुक फॉर, मतलब वो पॉकेट्स हैं जो कंपनी उनको ढूंढ रही होती हैं। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, हेयर इज पोरस रॉक्स, ये ब्लू कलर में क्या है? पोरस रॉक्स, ठीक है। यहाँ से ऑयल जो है वो पास आउट हो जाएगा और इम्परमीएबल रॉक्स के साथ जाके मिलेगा, जबकि इम्परमीएबल रॉक्स है वो पास आउट नहीं होगा।
क्योंकि ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो सबसे पहले ऑयल कलेक्ट होगा और ऑयल के ऊपर गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गैस क्या होती है, लेस डेंस होती है। और यहाँ पे ड्रिलिंग रिंग है जहाँ से हम ऑयल और गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब आपको पता लग गया कि ऑयल और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से, जो कभी समुंदर में रहते थे, ठीक है, जब वो ख़त्म हो गए, मतलब मर के या डाई हो गए, तो वो समुंदर के पेंदे में बैठना शुरू हो गए, उसकी तह में बॉटम पे बैठना शुरू हो गए, कलेक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। और उसको कवर किसने कर लिया था, सैंड और मर्ट ने, ठीक है। सैंड और मर्ट जो है वो कन्वर्ट हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, पोरस होती हैं। और इसके अलावा इम्परमेबल रॉक्स थे जो कि पोरस नहीं होते और अपने अंदर से लिक्विड को गुजरने नहीं देते। अंडरस्टैंड?